हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज़ द फिफ्थ चैप्टर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ऑफ क्लास फोर एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज़ अ टॉक, यानी बातचीत। इस चैप्टर में एक बातचीत के द्वारा यानी कन्वर्सेशन को बताया गया, वार्तालाप को, कि हम किस तरीके से अपने थॉट को एक दूसरे के पास व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसमें उस बातचीत को बताया गया है। तान्या इज़ कमिंग फ्रॉम स्कूल, तान्या स्कूल से आ रही है। ऑन द वे सी मीट्स विद राशि, रास्ते में वह राशि से मिलती है। यानी तान्या नाम की एक लड़की है जो स्कूल से वापस आ रही है, तो रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है, यानी उसकी फ्रेंड होगी, तो उसका नाम है राशि। तान्या बोलती है, हाय राशि, हाउ आर यू? तान्या राशि से बोलती है कि तुम कैसी हो? राशि, हाय तान्या, आई एम फाइन, थैंक यू, एंड यू? तो राशि भी बोलती है, हाय तान्या, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद, और तुम कैसी हो? यानी एक दूसरे से दोनों बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे, और दोनों एक दूसरे का हाल पूछ रहे हैं। तान्या आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू। तान्या भी बताती है कि मैं भी ठीक हूँ, धन्यवाद। नाइस टू मीट यू, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। राशि, सेम हियर, हे, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? तो राशि बोलती है कि मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा, कि वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रही हो? तान्या, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल। तो तान्या बताती है कि मैं स्कूल से आ रही हूँ। राशि, इन विच स्कूल डू यू स्टडी? तुम किस स्कूल में पढ़ती हो? राशि तान्या से पूछती है कि तुम किस स्कूल में पढ़ती हो? तो तान्या बताती है, आई स्टडी इन ST मैरी पब्लिक स्कूल। यानी तान्या अपने स्कूल का नाम बताती है कि मैं ST मैरी पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। फिर राशि, टेल मी वेयर इट इज़, कि मुझे बताओ कि यह कहाँ है, यानी ये जो स्कूल है वो कहाँ है? तान्या बताती है, फिर तान्या, इट इज़ नियर द ISBT। तान्या बताती है कि यह ISBT के पास है। अब ISBT क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। राशि बोलती है, इज इट बिहाइंड द पंजाब नेशनल बैंक, क्या यह पंजाब नेशनल बैंक के पीछे है? तान्या, यस, राइट यू आर, कि हाँ तुम सही हो, यानी ये जो स्कूल है वो पंजाब नेशनल बैंक के पीछे है। इस तरीके से वो लोग का कन्वर्सेशन हो रहा है। राशि, ओके, टेल मी समथिंग अबाउट योर स्कूल। फिर राशि तान्या से पूछती है कि ठीक है, तुम अपने स्कूल के बारे में मुझे कुछ बताओ। तान्या, लिसन राशि, इट इज़ वन ऑफ द गुड स्कूल ऑफ दिल्ली। तान्या बताती है कि सुनो राशि, यह दिल्ली का एक अच्छा स्कूल है, दिल्ली का सबसे अच्छा स्कूल है। ठीक है, राशि, इज इट अ कन्वेंट स्कूल? तो राशि पूछती है, क्या यह प्राइवेट स्कूल है, कन्वेंट यानी प्राइवेट स्कूल है? तान्या, यस, इट इज़ अ कन्वेंट स्कूल। तो तान्या बोलती है, हाँ, यह कन्वेंट स्कूल है। फिर राशि, हु इज योर प्रिंसिपल, यानी तुम्हारे प्रिंसिपल कौन है? प्रिंसिपल को हिंदी में क्या कहा जाता है? प्राचार्य। तो राशि पूछती है, हु इज योर प्रिंसिपल? देन तान्या रिप्लाई, डॉक्टर अब्राहम इज आवर प्रिंसिपल, कि डॉक्टर अब्राहम हमारे प्रिंसिपल है। राशि, विच सब्जेक्ट इज ही अ मैन ऑफ? तो राशि फिर पूछती है कि वो किस सब्जेक्ट के है, यानी वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? तान्या, ही इज़ अ मैन ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मीन्स होता है मनोविज्ञान। तो तान्या बोलती है कि वो साइकोलॉजी से है। राशि, विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट? राशि, तुम्हारा पसंदीदा यानी फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? तान्या, इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो तान्या बताती है कि इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू ऑल्सो टेल मी विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, ओके? राशि, हु टीचेज यू इंग्लिश? तो फिर राशि पूछती है कि तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाते हैं? तान्या, मिस मोनिका मैम टीचेज मी इंग्लिश। तो तान्या बोलती है कि मिस मोनिका जो मैडम है, मैम है, वो हमें इंग्लिश पढ़ाती है। ठीक है, राशि, डू यू टेक पार्ट इन गेम्स? कि राशि पूछती है तान्या से कि क्या तुम गेम्स में, खेल में भाग लेती हो? तान्या, यस, आई प्ले बैडमिंटन, बास्केटबॉल एंड टेबल टेनिस। तो तान्या बोलती है कि हाँ, मैं बैडमिंटन, बास्केटबॉल और टेबल टेनिस खेलती हूँ।
राशि, विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट? फिर राशि पूछती है कि तुम्हें कौन सा गेम सबसे अच्छा लगता है, यानी तुम्हारा पसंदीदा गेम कौन सा है? तान्या, आई लाइक बैडमिंटन द मोस्ट. तो तान्या बोलती है कि मुझे बैडमिंटन बहुत अच्छा लगता है. राशि, विच इज़ योर फेवरेट फूड? फिर राशि पूछती है तान्या से कि तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है? तान्या, तो फिर तान्या रिप्लाई करती है, आई लाइक डोसा द मोस्ट, यानी मुझे डोसा बहुत पसंद है. एंड व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड? और तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है? तो राशि बताती है, आई लाइक बर्गर द मोस्ट, यानी मुझे बर्गर बहुत पसंद है. ओके, जस्ट टेल मी व्हाट इज़ योर फेवरेट हॉबी? तो फिर पूछती है कि अच्छा ठीक है, तो मुझे अपना जो तुम्हारा जो हॉबी है, क्या शौक है तुम्हारा, वो बताओ. तो तान्या, आई लाइक टू प्ले ऑन कैसियो. तो तान्या बोलती है कि मुझे ना कैसियो पे खेलना अच्छा लगता है, यानी कैसियो चलाना मुझे अच्छा लगता है. राशि, विल यू टेल मी हाउ टू प्ले इट? राशि पूछती है, क्या तुम मुझे बताओगी कि ये कैसे प्ले किया जाता है? तान्या, ओ यस, वाई नॉट, हाँ क्यों नहीं, यू कैन लर्न इट वेरी इजली, तुम इसे बहुत आसानी से सीख सकती हो. तान्या बोलती है राशि से कि तुम इसे, यानी कैसियो चलाना, बहुत आसानी से सीख सकती हो. फिर राशि पूछती है, ओके व्हाट अबाउट योर यंगर सिस्टर? ठीक है, अब तुम अपने छोटी बहन के बारे में बताओ. व्हाट इज़ सी डूइंग? वो क्या कर रही है? तान्या बोलती है, सी इज़ इन फर्स्ट क्लास, वह फर्स्ट क्लास में है, यानी क्लास वन में है. आई also टीच हर whenever I get time, यानी जब मुझे कभी भी समय मिलता है तो मैं उसे पढ़ाती हूँ, मैं भी उसे पढ़ाती हूँ. राशि, आई थिंक आई एम गेटिंग लेट नाउ. तो राशि बोलती है कि मुझे लगता है कि अब मैं देर हो रही हूँ, यानी घर जाने का टाइम हो रहा है. आई शुड लीव नाउ, मुझे अब जाना चाहिए. तान्या बोलती है, आई एम also गेटिंग लेट. तान्या बोलती है कि मैं भी लेट हो रही हूँ. ओके बाय, सी यू लेटर, ठीक है बाय, और हम बाद में मिलेंगे. राशि बोलती है, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कि दोनों बाय बाय, राशि बाय बोलती है और उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहती है टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और दोनों अपने अपने रास्ते चल देते हैं. तो ये कन्वर्सेशन था, कि बातचीत था, कि किस तरीके से हम एक दूसरे से बात करते हैं. और आपको भी प्रैक्टिस करना है इस तरीके से बात करने का. ओके, और ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप सॉल्व करेंगे यहाँ तक. ये टोटल क्वेश्चन नंबर ए बी सी आपको खुद ही करना है, और यहाँ वोकैबुलरी प्रैक्टिस है, वो भी आपको खुद ही बनाना है. ठीक है, कंप्लीट द वर्ड्स, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स. ओके, दिस मच फॉर टुडे.